हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज है आपकी 11 सितंबर, और 11 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। आपको बताना है कि विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर कौन से स्थान पे पहुंच गए हैं? तो वो 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं, ठीक है? अब भाई कैसे पूछे ये तो भाई मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है? कि आपके मुकेश अंबानी जी 7वें स्थान से एक बार फिर आपके 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं, और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिससे उनके नेटवर्थ में 7.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब आप पूछोगे भाई पहले स्थान पे कौन है? तो मेरे भाई जॉफ वेसोस। ओके, आपके जेफ बेसोस आपके पहले स्थान पे है, बिल गेट्स आपके दूसरे स्थान पे है। यह भी आपको पूछा जा सकता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है। देखिएगा, अच्छा इस क्वेश्चन से बताने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। ओके, तो मोटिवेशनल शायरी यही आपके लिए साथियों, कि देखिएगा, इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा है, नींदे कमरों में जागी है और ख्वाब आपके छतों पे बिखरे पड़े हुए हैं। और भी है साथियों, और भी है कि सैरो सैरो गांव का आंगन याद आया, झूठे दोस्त और सच्चा दुश्मन याद आया, पीली पीली फसलें देख के खेतों में अपने घर का खाली बर्तन याद आया। और इसी के साथ देखिएगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है। आपका क्या हो जाएगा? कल्पना चावला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बताना बहुत ही बेहतरीन समझूंगा। याद रखना है कि कल्पना चावला कब आपकी नासा मतलब 16 जनवरी 2003 को मतलब अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला भी बनी थी, आपको पता है। इस कारण से मतलब जो भी स्पेस क्राफ्ट का जो नाम है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के नाम पर रखती है, इसलिए कल्पना चावला जी का नाम आया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड की किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो वो तो आपका प्रेस रावल जी हो जाएगा। और मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रेस रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। प्रेस रावल के वर्ष 1984 में आई होली फिल्म से अपने फिल्में करियर की शुरुआत की थी, और इस नियुक्ति के बाद परेश रावल ने कहा है कि नया काम चुनौती से भरा है और मजा भी आएगा, और ऐसे आपको भी मजा आता होगा। और यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे अक्षय कुमार आया है, किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो आप बोलोगे कि आपके सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। सोनू सूद किसके हैं? तो आप बोलोगे फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है आपके सोनू सूद साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि इंडियन राइटर अनुराधा को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिंग लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो वो जाएगा ऑल द लिव्स वी नेवर लाइव। और इसी के साथ देखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया, सुपरब वाला परफॉर्मेंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी इसके बारे में ना, तो देखिएगा इनको ये मिला है, और 156 किताबों में से इनकी किताब को चुना गया था साथियों। ये इतना भी आपको याद रखना है, कितने बुकों में से? 156 बुकों में से। लेकिन मैं भाई आपको साहित्य की बात करूं तो साहित्य में आपका इस बार का जो नोबल अवार्ड मिला था कौन सा? ज्ञानपीठ, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किनको मिला था? तो आप बोलोगे अकीतम अच्युतम नंबूदरी जी को। किसको मिला था? अकीतम अच्युतम नंबूदरी जी को आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह भी आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, एक मिनट। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों,
देखेगा विश्व के टॉप 10 एयर स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी है, तो वो इंडिगो है। और जितनी भी बाकी 9 कंपनियां है वो कहाँ की है, तो आप बोलोगे जितनी भी 9 कंपनियां है वो आपकी चाइना की है, चाइनीज माल है। ओके, और देखिएगा मैं उन कंपनियों के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखना है एयरलाइंस शेयरों में लगातार 3 महीने बढ़त बरकरार रही है, और साथ ही साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी का शेयर है जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन चाइना की बात करी गई तो चाइना के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा चाइना के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, तो एक तो 3488 किलोमीटर की सीमा हमारा भारत चाइना के साथ शेयर करता है, और पाकिस्तान के साथ कितनी करता है, 3323 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, 699 आपकी भूटान के साथ शेयर करता है, और साथ ही साथ देखिएगा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर किया भाई इंडिगो हो जाएगा, सुपर हब वाला परफॉर्मेंस। और चीन के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो हमारे सॉरी हमारे क्यों बोलूं चाइना के साथ हुआ है, साथियों याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन प्यारा था आपके जैसा, और अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिसमें करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, तो वो आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब देखिएगा नरेंद्र मोदी जी की बात आई है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ज्योतिपुंज पुस्तक लिखी गई है, और कौन सी लिखी गई है, तो आप बोलोगे एग्जाम वॉरियर। कौन सी वॉरियर, एग्जाम वॉरियर पुस्तक याद रखना है। और इसी के साथ देखिएगा प्रधानमंत्री को रखा जाता है आर्टिकल 75 में, और साथ ही याद रखना है जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो आपकी यूके से यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे प्यारे साथियों ने किया है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। आपको बताना है कि भाई नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई से कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सी रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो आपका 38 शिक्षकों और प्राचार्य हो जाएगा इसका आंसर। तो है, लेकिन इसके बारे में मैं और चीज आपको बताना चाहूंगा। क्या, तो देखेगा मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात कि यहाँ पे सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, पहले तो अनिता करवाल थी, लेकिन अब कौन है आपके, मनोज आहूजा है। कौन से आहूजा है, मनोज आहूजा है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों की जो आपके शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा दिवस इंटरनेशनल शिक्षक डे का मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को, और नेशनल शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। और फिलहाल दिल्ली की बात करी गई है तो दिल्ली की योजनाएं बताइएगा, 5T प्लान योजना हो गई, डोर स्टेप योजना हो गई, और इसी के साथ दिल्ली का लिंगानुपात 868 हो जाएगा, और दिल्ली के प्रशासक है अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा की सीटें है 7, विधानसभा की सीटें है 70, यह भी आपको पूछा जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे मित्रों कि तमिल टेलीविजन स्टार मशहूर कॉमेडियन वादी वेलु बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो 45 ईयर। कितने ईयर साथियों, 45 ईयर आपको याद रखना है, वाकई में पूछा जाता है, और आप सभी ने बेहतरीन तरीके से आंसर भी किया है। कौन से तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने आंसर भी किया है, ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों को, ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताना चाहूंगा कि तमिल टेलीविजन स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादी वेल बालाजी का 45 साल की उम्र में निधन हो गया, और उनके निधन के बाद तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, और वे फेमस कॉमेडियन वादी वेलु की मिमिक्री करने के लिए भी पहचाने जाते थे, ठीक है। यह तो आपने बता दिया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था आपके सामने, और अब इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन यह आने वाला है। आपको बताना है कि भाई निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन की आयोजित करने की घोषणा करी, वो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अब देखिएगा नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 2015, 1 जनवरी 2015 में, सुप्रीम कोर्ट की करी गई थी 1950 में, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को रखा जाता है आर्टिकल 124 में, 125 में वेतन मिलता है, और साथियों कितना वेतन मिलता है, 2,80,000 रुपये मिलता है। कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। संचित निधि को भारत के कौन से आर्टिकल में रखा जाता है, तो आर्टिकल
266 में रखा जाता है, एक होती है आकस्मिक नीति जिसको आर्टिकल 267 में रखा जाता है। ओके, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, जो कि आप सभी ने बताया है। अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर सिग्नेचर किए हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो मैं बताना चाहूंगा आपका जापान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान आपको याद रखना है। वैसे मैं सभी देशों के बारे में बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। सिंगापुर की मैं बात करूं तो कौन कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है जी सिंगापुर के साथ, तो आप सभी बता दीजिए। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। मैं लिख देता हूं साथियों, आपको समझ में आसानी रहेगी। एक तो आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र आपको याद रखना है। इसी के साथ सिटमेक्स और सिम्बेक्स है। और इसी के साथ मैं पूछूं भाई जापान के साथ, तो आप बोलोगे धर्म गार्जिन हो गया, सैन्य मैत्री हो गया, मालाबार हो गया। और इसी के साथ भाई मैं आपको पूछूं ऑस्ट्रेलिया के साथ बता दीजिएगा, तो आप बोलोगे एवियस इंडेक्स आपको याद रखना है। और अफ्रीका में कितने देश है, तो आप बोलोगे 54 है। कौन सी बड़ी झील है अफ्रीका की, तो आप बोलोगे विक्टोरिया झील है, जहां से नील नदी निकलती है। नील नदी की लंबाई, तो आप बोलोगे 6650 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, और एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर साथियों, ऐसे ही यूं ही मिलते रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद।